नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष निकवर। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है बैक बेंचेस ऑफ स्टॉक्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कल के दिन के मेरे मैजिकल लेवल्स, कल के दिन के मेरे प्रेडिक्शन के साथ में। साथ ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे तीन स्टॉक्स जो कि लिस्टेड है फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो भी डिस्कशन करने वाले हैं पूरा का पूरा जो है वो हमारे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मैं इसमें से कोई भी स्क्रिप्ट को या फिर स्टॉक को या फिर इंडेक्स के किसी भी लेवल पे आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा ट्रेड करने के लिए। इन्हें सिर्फ और सिर्फ आप लोग जो है अपने एजुकेशनल पर्पज के लिए यूज करिएगा। और मैं सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, और आप लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जो है वो जरूर लीजिए। तो आइए यहां पे शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस एजुकेशनल वीडियो। वीडियो को यहाँ पे शुरुआत करेंगे जो भी लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे आज के दिन के हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए उसके परफॉर्मेंस के साथ में। शुरुआत करेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी के साथ में। दोस्तों कल की वीडियो में मैंने आप लोग के साथ में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि यहाँ से एक फेक ब्रेकडाउन आएगा बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही इंडेक्स में, और वहाँ से फिर एक बहुत अच्छा बुलिश ट्रेंड एक्सपेक्टेड है। हमारी प्रेडिक्शन के हिसाब से और लेवल्स के हिसाब से काफ़ी अच्छा ट्रेंड आज हमें मार्केट में देखने को मिला। यहाँ पे बिल्कुल ही बॉटम पे जब बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही थी तभी मैंने अपना सी साइड का व्यू आप लोग के साथ में शेयर किया था हमारी फ्री वाली टेलीग्राम चैनल पे, जिसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट आज के दिन में देखने को मिल रहा है। निफ्टी में भी यहाँ एक फेक ब्रेकडाउन देखने को मिला और निफ्टी ने भी काफ़ी अच्छी रिकवरी आज के दिन में दिखाई है। ओवरऑल सारे ही इंडेक्स में आज हम लोगों को पॉजिटिव ट्रेंड जो है वो देखने को मिला है, जो कि ऑलरेडी कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करके रखा हुआ था। यानी कि दोस्तों इन लेवल्स के साथ में हमारी जो एक्यूरेसी है वो बरकरार है। मेरी कोशिश रहेगी इसे ऐसे ही मेंटेन रखने की। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोज़ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक दे करके रखा हुआ है, जहाँ पे आप लोग मुझे लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए ज़रूर फॉलो करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया हुआ है तो ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एलाइज ब्लू का अकाउंट ओपनिंग लिंक जो है वो दिया हुआ है। लिंक थ्रू अकाउंट ओपन करके आप लोग मेरे प्लैटिनम ग्रुप को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में एंजॉय कर सकते हैं, जहां पे मैं अपने लाइव मार्केट के जो सेटअप्स है वो आप लोगों के साथ में डिस्कस करते रहता हूं। तो उसका लाभ आप लोग कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में उठा सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अकाउंट ओपनिंग का लिंक जो है वो दे करके रखा हुआ। इसके बाद में वीडियो में आगे जाकर के हम लोग डिस्कस करते हैं स्टॉक्स के बारे में जो कि लिस्टेड है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी। लेकिन दोस्तों वो सीधा टिप्स में आ रहा था, इसलिए हम लोगों ने अपनी उस सीरीज को कुछ दिनों के लिए पॉज करके रखा हुआ है। अगर आप लोग स्टॉक ऑप्शन पे भी ट्रेड करते हैं तो मैंने अपनी स्टॉक ऑप्शन की स्ट्रेटजी बहुत डिटेल में यूट्यूब पे डिस्कस करके रखी हुई है, और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे करके रखा हुआ है। अगर आप लोग स्टॉक ऑप्शन पे भी ट्रेड करते हैं तो उस वीडियो को जाकर के जरूर चेक कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो वो साबित हो सकता है। आगे जाकर के वीडियो में डिस्कस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मेरे मंडे के प्रिडिक्शन के बारे में और उसके लेवल्स के बारे में। शुरुआत करेंगे निफ्टी के साथ में। तो काफ़ी शार्प फॉल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है और यहाँ से एक रिकवरी भी देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मार्केट कभी भी स्ट्रेट एक रेंज में नहीं चलता है, यहाँ ये इस टाइप की वेव्स जो है बना होते हुए चलता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ कोई वी शेप वाला रिकवरी आया है, कोई अभी तक पैटर्न इसने क्रिएट नहीं किया। तो मंडे के मॉर्निंग सेशन में ये थोड़ा सा नीचे के साइड में आएगा और फिर इसमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा। यानी कि मॉर्निंग सेशन में थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड एक्सपेक्टेड है और उसके बाद में हम लोगों को बुलिश ट्रेंड या फिर लॉन्ग टर्म में एक बुलिश ट्रेंड जो है वो यहाँ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में ही एक्सपेक्टेड है। 24,885 के ऊपर निफ्टी यहाँ पे बुलिश हो सकती है। 24,935, 25,030, 25,100 और 25,188 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे। तो 24,840 के नीचे निफ्टी वीक हो सकती है। 24,783, 24,730, 24,671 और 24,600 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो में जो भी स्टॉक्स और इंडेक्स के जो भी लेवल्स हम लोगों ने एजुकेशनल पर्पस के लिए डिस्कशन किया हुआ है, इसको अगर आप लोगों को लाइव मार्केट में पेपर ट्रेडिंग के लिए टेस्ट करना है तो सबसे बेहतर टाइम फ्रेम मैं यूज करता हूं अपनी पर्सनल ट्रेडिंग के लिए, वो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम। यहाँ पे जो भी हम लोगों ने लेवल डिस्कस किया है
कि इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी मुझे बुलिश लग रही है। अब ऑब्वियसली चीज है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, इस पे ट्रेड करना मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोग पेपर ट्रेडिंग के लिए इसे यूज कर रहे हैं तो 5 मिनट की जो हम लोगों की यहाँ पे कैंडल है वो इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग जो है वो देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक करेगी तब हम लोग उसे कंसिडर जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सपोर्ट का लेवल हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो सपोर्ट जो है वो हमारे लिए स्टॉप लॉस के तौर पर भी काम करता है। वहां पर भी मैं 5 मिनट की टाइम फ्रेम की कैंडलस्टिक जो है इसके प्रेफरेंस देता हूं 5 मिनट की कैंडल कैंडल क्लोजिंग के लिए। अब दोस्तों यहां पे कैंडल क्लोजिंग कभी कभी बहुत बड़ी हो जाती है जो कि आप लोग वॉल्यूम देख करके जो है यहां पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इस चीज पे भी आप लोगों को ध्यान रखना होता है। जो भी लेवल्स हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं अपसाइड के लेवल्स या फिर डाउनसाइड के लेवल्स, ये आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम जो है वो लाइव मार्केट में करते हैं। साथ में दोस्तों मेरी मैजिकल लेवल्स की जो थियरी है इसके बेसिस पे जो भी स्टॉक्स हम लोगों ने यहां पे डिस्कस किए हैं इन स्टॉक्स के साथ में जो हमारा लेवल 3 होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है। यहां से रिवर्सल्स हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। साथ में इंडेक्स यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं इन लेवल्स के साथ में लेवल 4 जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर्सल का लेवल होता है जिसके ऊपर भी आप लोगों को यहां पे ध्यान रखना जो है वो होता है। दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी भी हम लोगों को एक चैनल के अंदर ट्रैवल करती हुई दिखाई दे रही है अप ट्रेंड में ही, लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है। सो मेरे हिसाब से इसमें भी एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन बना करके फिर ही ब्रेकआउट हमें देखने को मिल जाएगा। तो इस पैटर्न बनाने के लिए ही सही, लेकिन बैंक निफ्टी में मॉर्निंग सेशन में एक डाउन ट्रेंड दिखाई देगा एंड देन उसके बाद में हम लोगों को अपसाइड का एक मूव एक्सपेक्टेड है। अगर स्ट्रेट हो जाता है तो ऊपर की साइड के लेवल्स भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 52,070 के नीचे यहाँ पे बैंक निफ्टी वीक हो सकती है। 51,963, 51,854, 51,702 और 51,567 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे। तो 52,200 के ऊपर बैंक निफ्टी बुलिश हो सकती है। 52,351, 52,515, 52,638 और 52,784 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे। सो दोस्तों वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मंडे के मेरे मैजिकल लेवल्स मेरे मंडे के प्रेडिक्शन के साथ में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक दे करके रखा हुआ है जहां पे आप लोग मुझे लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए जरूर फॉलो करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया हुआ है तो जरूर कर दीजिए। थैंक यू।